अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत है। आज का हमारा व्लॉग है, हम आपको सोलर के तरीके बताएंगे कि एक सोलर कितना वर्किंग है और कितना काम नहीं करता। मैं इसका पानी भी दिखाता हूँ इस सोलर प्लेटों का, आप भी खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि इतना पानी, मतलब कि पीटर के बराबर ही पानी दे रही है। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पानी है, जैसे पीटर का पानी होता है। तो खुद ही देखो अंदाजा, यहाँ को बिजली वगैरह फीटर वगैरह नहीं रखा हुआ है, ना कि बिजली आ रही है। देखो ये छोटी सी मोटर है, इसी मोटर को बिजली पैदा करके ये इसको चलाती है। तो इसके लिए मैं आपको और प्लेटा दिखाता हूँ। ये देखो तकरीबन 20-30 प्लेटें हैं, कितना पानी दे रही हैं। फिर ये मशीन है, ये मशीन जो है ये मतलब कन्वर्ट करती है, बिजली बना के मोटर में जाती है, कन्वर्ट करती है सब प्लेटों की, यहाँ पे मतलब जमा होती है, ये कन्वर्टर ने बना के बिजली देती है पूरी। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग है, बहुत ही टेक्नोलॉजी है यहाँ में। इसने अपना घर यहाँ बसेरा है, मतलब कि ये भी इधर उधर फिरती, इनकी तारें भी देख लें, तारें किस तरह की तारें, ये देखो। ये देखो यहाँ पे खेत हैं और ये प्लेट कितना ही काम है। अरे यार सोलर ने तो बहुत ही कमाल का काम कर दिखाया। अगर आपके पास है कि नहीं, मैं भी यही कहता हूँ कि आप भी ऐसा काम कर लें, तेल जितना महंगा सस्ता हो हमें टेंशन नहीं होगी। ये बात है कि बादल छाए जाए तो ये बंद हो जाती है, बादल छाने की वजह। आप तो जानते हैं कि बादल इतना नहीं छाते, 2-3 दिन में इनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगो कि कितना पानी दे रही है। बहुत ही फीटर के बराबर पानी आ रहा है इनसे। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, ये पानी जा रहा है खेतों में, अब जा रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा भी इरादा ही कि आप भी, अगर आप ये किसान हैं लेकिन आपके लिए बेहतर है जाइए, अच्छा पानी आ रहा है, इतना कम नहीं है। देखो दिन रात लगे, मतलब ये पीटर के जितना जितना पीटर उतना ही पानी आ रहा है। ये देखो कपास, ये देखो कपास, आप तो जानते होंगे कपास क्या होती है। कपास से रुई बनी जाती है, रुई के बाद कपड़े वगैरह, इनसे बहुत से काम लिया जाता है। अभी ये बहुत छोटी, जब बड़ी हो जाएगी तो कपास उठाएंगी, फुट्टी जिसको हम कहते हैं फुट्टी, लेकिन इसका रेट बहुत ही
अच्छा तो दरिया का डर होता है कि अब वैसे हम दरिया सिंध के आए हैं, दरिया सिंध में आए हुए हैं, या दरिया सिंध हमारे बहुत तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है। ये सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है सिंध। ये देखो सामने इन पौधों के पीछे जो तीन पौधों के पीछे दरिया है। लेकिन मैंने तो एक वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें, आपको फ़ायदा यह होगा कि हमारी हर अपडेट की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।